और इसके अंदर ये भी नहीं कि हमला औरतें और जोर जबरदस्ती से रोजे रखें और ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं, क्योंकि शरीयत ने इंसान को सबसे ज़्यादा जो है इंसान की जान की हिफाजत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, वो फर्जियत के ऊपर भी जो है गालिब आ जाती है। तो अपनी जान पर जुल्म करके वो काम ना करें, अगर डॉक्टर ने मना किया तो उसको ना रखें। और इसके अलावा जो किसी को ऐसी परेशानी कभी भी आए, अब ये मसला भी इसके अंदर ही होता है, किसी भी उसको परेशानी आए सफ़र में, उनसे इंसान ने सोचा नहीं मैं रख लूँगा, छोटा सफ़र था, उन्हें सोचा ठीक है 100 किलोमीटर है 50 किलोमीटर में रख लूँगा कोई मसला नहीं, उन्हें रोज़ा रख लिया, लेकिन सफ़र पर निकला और उसमें परेशान हो गया, अब उसको चक्कर आ रहे गर्मी की वजह से, भूख की वजह से उस पर जान पर बनने की उस पर मोहब्बत आ गई कि अब अगर नहीं आया तो मैं चक्कर आ गिर जाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा, तो उसको रोज़ा वो कभी भी तोड़ा उसका तोड़ सकता है, कजा उसकी वो करेगा, उसे कोई कफ़ारा इसको नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, उसकी कजा रमज़ान के बाद उसको पूरी करना, कभी भी उसको तोड़ सकता है। ये आदमी ने ये है कि उसको लग रहा था कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, हो सकता है लेकिन ये बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन सुबह ने रख लिया कि ठीक है देखेंगे, तब ये नहीं कि वो बीमारी को, उसको बीमारी शुरू हो गई ज़्यादा, उसको परेशानी उससे आ रही है, गोली लेना ज़रूरी हो गया, इंजेक्शन लेना ज़रूरी हो गया, तो फिर उसके लिए वो चाहे तो उसको रोजे को तोड़ सकता है, कभी भी उसको तोड़ सकता है बीमारी की वजह से, लेकिन उसकी कजा उसको रखनी होगी। तो ये कजा रोजे जो है आने वाले जो है रमज़ान से पहले पहले उसको रखना है, और ये कैसे भी रख सकता है, तोड़ के भी रख सकता है या इकट्ठे भी रख सकता है, मान लो किसी तीन रोजे कजा हुए, चाहे एक साथ रखे या तोड़ के रखे, एक उन्होंने एक जो अभी रख लिया, एक रमज़ान वो जो है मुहर्रम के महीने में रखा, एक उन्होंने, लेकिन आने वाले रमज़ान से पहले पहले रख ले। अगर वो रमज़ान आ जाता है, चांद दिख गया, नया रमज़ान शुरू हो गया, तो फिर गुनहगार हो जाता है, इतने साल तक तोड़ जब तक टाल रहा है तब तक बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही चांद दिखा और दूसरा रमज़ान शुरू हुआ तो फिर वो गुनहगार हो गया, फिर वो गुनहगार हो जाता है, तो उसको जल्दी से चाहिए कि दूसरे रमज़ान से पहले वो उनको पूरा कर ले।